हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह। आज मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म का 6 लेक्चर लेके आया हूं। इस लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तक मैंने पढ़ाया था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, आज है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके कुछ छोटे छोटे फॉर्मूला समझ लीजिए, या थ्योरम या प्रॉपर्टी, वो कैसे निकालते हैं लाप्लास वो देखिए। ये है लाप्लास डेल यू अपॉन डेल टी, तो इसका होता है पी यू एक्स पी माइनस यू एक्स नॉट। सेम जैसे मैंने ऑर्डरी डिफरेंशियल में बताया था, वहां वाई लेते थे या एक्स, यहां डेल आ रहा है तो ये पार्शियल डिफरेंशियल है, ऐसे खोलते हैं। अगर यही होता लाप्लास डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर, तो इसे कैसे खोलेंगे, पी स्क्वायर यू एक्स पी माइनस पी यू एक्स नॉट माइनस यू टी, नीचे लटका देते हैं एक्स नॉट। इस प्रकार ये खोलते चले जाते हैं। अगर यहां वाई लिख रहा होता यू की जगह पे, तो ऐसे ही वाई को खोलते, ठीक है। अगर यहां तीन होता और लाप्लास डेल यू अपॉन डेल एक्स हो, यहां टी है इसका तो लाप्लास जानते हैं, इसका नहीं, तो इसे हम कैसे लिख देंगे, डायरेक्ट डी यू अपॉन डी एक्स। अगर ये ऐसे लिखा होता लाप्लास डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो इसका बन गया डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो चलिए इस पर मैं अब आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बताता हूं। चलिए तो एग्जाम्पल वन देखते हैं। सॉल्व द वेयर यू इक्वल टू एक्स टी, यू जीरो टी और यू फाइव टी की वैल्यू इसने जीरो दे रखी है और यू एक्स जीरो की वैल्यू टेन साइन फोर पाई एक्स। तो ऐसी कंडीशन में हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल टी, आगे पीछे कर दिए हैं, टेकिंग लाप्लास बोथ साइड। इधर लाप्लास लेंगे तो ये डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इसका लाप्लास मैंने लिख ही दिया है पी यू एक्स पी माइनस यू एक्स नॉट। इसको इधर लाएंगे टू डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस पी यू इक्वल टू माइनस यू एक्स नॉट। ये यू एक्स पी है इसके अंदर यहां भी, लेकिन अब थोड़ी देर के लिए यहां जरूरत नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो टू डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस पी यू इक्वल टू यू एक्स नॉट की वैल्यू ये रही, तो माइनस के टेन साइन फोर पाई एक्स। इस टू की पूरे में डिवाइड कर दीजिए तो डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस पी अपॉन टू यू इक्वल टू माइनस के फाइव साइन फोर पाई एक्स। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो आपको अगर ये देखना हो इसका पूरा वर्किंग रूल, डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बीएससी कोचिंग अलीगढ़, तो ये चैप्टर निकल के आ जाएगा वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले आप ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, इसको हम एम स्क्वायर कहते हैं, इसका कोफिशिएंट लेंगे और जीरो के इक्वल रखते हैं। तो यहां से m इक्वल आ गया प्लस माइनस अंडर रूट पी अपॉन टू। तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखेंगे, जब m की वैल्यू ये हो सी एफ इक्वल सी वन ई की पावर अंडर रूट पी अपॉन टू एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस अंडर रूट पी अपॉन टू एक्स। चलिए अब निकालेंगे पार्टिक्यूलर इंटीग्रेशन यानी पी आई। वन अपॉन इसी को यहां डी में बदल देते हैं माइनस पी अपॉन टू और ये माइनस के फाइव साइन फोर पाई एक्स। जब यहां साइन या कॉस होता है तो एक्स का कोफिशियंट डी स्क्वायर की जगह पर माइनस लगा के रखते हैं, ठीक है। तो ये माइनस के फाइव अपॉन यहां माइनस के चार चौक सोलह पाई स्क्वायर माइनस पी अपॉन टू साइन फोर पाई एक्स,
ये 2 ऊपर चला गया तो ये हो गया 10 पी प्लस 32 पाई स्क्वायर साइन 4 पाई एक्स, ये हमारी पी आई निकल आई। अब कंप्लीट सॉल्यूशन यू एक्स पी इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो यू एक्स पी, वैसे अब यहां यू ही लिखना था लेकिन मुझे इसका लाप्लास इनवर्स लेना होगा तो मैंने यू एक्स पी लिख दिया। सी एफ कहां है, ये रहा सी वन ई की पावर अंडर रूट पी अपॉन टू एक्स, ई की पावर माइनस अंडर रूट पी अपॉन टू एक्स प्लस के टेन पी प्लस 32 पाई स्क्वायर साइन 4 पाई एक्स। ये जो शर्तें दे रखी होती हैं इनके अकॉर्डिंग तो मैं कैसे लिख रहा हूं, बाई बाउंड्री कंडीशन से C1 और C2 की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो यहां बचा UXP इक्वल टू, इसे पहला लिख लीजिए 10 साइन 4 पाई एक्स इंटू 1 अपॉन पी प्लस 30 पाई स्क्वायर। यहां मैंने ये लाप्लास लिया था तब ये आंसर आया है, अब यहां आपको लाप्लास इनवर्स लेना होगा। तो टेकिंग लाप्लास इनवर्स बोथ साइड, लाप्लास इनवर्स, तो ये बन गया यू एक्स टी। ये कांस्टेंट पहले ले लो 10 साइन 4 पाई एक्स लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन पी प्लस 32 पाई स्क्वायर, इसका लाप्लास कितना हुआ यू एक्स टी इक्वल टू 10 साइन 4 पाई एक्स e की पावर माइनस 32 पाई स्क्वायर टी। क्लियर हो गया, ठीक है। इसकी मैं पूरी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एलजेब्रा की भी पूरी प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। एग्जाम्पल 2 देखिए, सेम है, बस पहले इसका लाप्लास ले लो और ये दोनों वैल्यू जीरो दे रखी है और यू एक्स नॉट की वैल्यू ये है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, पहले इसे लिख लेते हैं, 2 डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल टी। टेकिंग लाप्लास बोथ साइड, इसका लाप्लास लेंगे 2 डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका लाप्लास पी यू एक्स पी माइनस यू एक्स नॉट। इसे इधर ले आइए 2 डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस पी यू, केवल अब यू ही रखेंगे इसे, इसके अंदर एक्स पी है पर लिख रहे नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में यह केवल यू ही होना चाहिए। क्या बचा इधर, माइनस यू एक्स नॉट, यू एक्स नॉट की वैल्यू रख दीजिए तो 2 डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस पी यू। तो ये माइनस है तो पहले इसे लिख लेते हैं 5 साइन 6 पाई एक्स माइनस 10 साइन 4 पाई एक्स, ये माइनस की गुणा करोगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ऐसे लिख दिया है। 2 की इसमें डिवाइड कर दीजिए डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस पी अपॉन टू यू इक्वल टू 5 बाई 2 साइन 6 पाई एक्स माइनस 5 साइन 4 पाई एक्स। मैंने इसमें 2 की डिवाइड, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, तब ऑक्सिलरी इक्वेशन, तब इसे हम एम स्क्वायर कहते हैं और इसका कोफिशिएंट इक्वल टू 0 तो एम इक्वल टू प्लस माइनस पी अपॉन 2। कंप्लीमेंट्री फंक्शन यानी सी एफ कैसे लिखेंगे, सी वन ई की पावर अंडर रूट के अंदर पी अपॉन 2x, सी टू ई की पावर माइनस पी अपॉन 2x। अब हमें क्या लिखना है, पी आई, तो पी आई निकालिए, पार्टिक्यूलर इंटीग्रेशन 1 अपॉन, इसी को d में बदल देते हैं,
डी स्क्वायर माइनस पी अपॉन टू, इसको लिखिए पहले 5/2 साइन 6πx माइनस, अब इसके लिए भी इसे दोबारा लिख लीजिए डी स्क्वायर माइनस पी अपॉन टू, यहां कितना है माइनस के 5, तो माइनस तो ये लगा ही दिया था मैंने केवल 5 साइन 4πx, ठीक है। तो मैंने ये इसके लिए अलग और इसके लिए अलग लिख दिया। अब लगाइए यहां साइन या कॉस हो तो एक्स का कोफिशियंट डी स्क्वायर की जगह पर माइनस लगा के रखते हैं, ठीक है। तो चलिए 1/, यहां माइनस के 36πx माइनस पी अपॉन टू, और ये 5/2 साइन 6πx, यहां 4×16 πx माइनस पी अपॉन टू, 5 में यहां ले लेता हूं और साइन 4πx। एलसीएम लीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, 5/, यहां पी यहां माइनस आता है, कोफिशियंट क्या लेते हैं माइनस में, तो माइनस तो ऊपर 2 से 2 तो माइनस के 5 पी प्लस 3072 पाई स्क्वायर। देखो 2 एलसीएम लोगे और माइनस बाहर लोगे तो यहां आ जाएगा, और यहां बचा केवल साइन 6πx। ऐसे ही इस 2 को एलसीएम लोगे, ऊपर 10 और माइनस माइनस प्लस, तो 10/ पी प्लस 32πx साइन 4πx। हमारे पास सी एफ और पी आई दोनों हैं, तब यू एक्स पी इक्वल टू होता है सी एफ प्लस पी आई। तो यू एक्स पी इक्वल टू सी एफ कहाँ है, सी वन ई की पावर अंडर रूट पी अपॉन 2x, सी टू ई की पावर माइनस पी अपॉन 2x, प्लस पी आई कितनी है माइनस 5/ पी प्लस 72πx साइन 6πx प्लस 10/ पी प्लस 32πx इंटू यहां लिखे देता हूं इसे ऊपर साइन 4πx, यहां लिखा जाना चाहिए था इस जगह पर मैंने यहां लिख दिया है। अब c1 c2 के मान 0 हो जाएंगे यदि आप इसमें इन दोनों शर्तों को रखो, तो ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा, तब आप क्या लिखेंगे, बाई बाउंड्री कंडीशन, तो यू c1 और c2 इक्वल टू 0, क्या बचा यहां यू एक्स पी इक्वल टू, इसे पहले ले लीजिए माइनस के 5 साइन 6πx 1/ पी प्लस 72πx प्लस, इसे पहले ले लो 10 साइन 4πx इंटू 1/ पी प्लस 32πx। यहां आपने लाप्लास लिया था, अब लाप्लास इनवर्स लेंगे। टेकिंग लाप्लास इनवर्स, बोथ साइड, तो ये बन गया यू एक्स टी, ये कॉन्स्टेंट माइनस के 5 साइन 6πx लाप्लास इनवर्स पी प्लस 72πx, फिर प्लस के 10 साइन 4πx लाप्लास इनवर्स 1/ पी प्लस 32πx। लाप्लास ले लीजिए तो माइनस के 5 साइन 6πx, इसका हो गया माइनस 72πx प्लस 10 साइन 4πx, इसका हो गया e की पावर माइनस 32πx। क्लियर?